जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन बिल्डअप। एजुकेशन बिल्डअप में आप सभी का स्वागत है। बात करूंगा रांची जिला में, रांची जिला अंतर्गत आदर्श विद्यालय योजना के तहत जो उत्कृष्ट विद्यालय हैं, यानी जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, इन विद्यालयों में टीजीटी और पीजीटी के लिए आपका नियुक्ति निकाली गई है। ये इस सेशन में बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ रांची जिला के बारे में। इससे पहले कई एक जिला के बारे में ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ। इस नोटिफिकेशन में बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ रांची जिला। रांची जिला में आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत जो उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय जो आदर्श विद्यालय है, इनमें संविदा आधारित यानी आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में शिक्षकों का चयन होना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं विषयवार आपका टीजीटी में किन विषयों में बहाली है, टोटल कितने सीट वैकेंट है, उसी तरह पीजीटी के बारे में बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले सेशन को लेकर बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं टीजीटी के बारे में। तो टीजीटी के बारे में बात करूं तो हिंदी में टोटल आपका 16 सीट वैकेंट है। टोटल 16 है, जिनमें से 8 सीटों में जनरल, 8 सीट जनरल के लिए है और 2 सीटें आपका मोस्ट बैकवर्ड क्लास यानी आपका BC1, 5 सीट है आपका ST के लिए और 1 सीट है आपका SC के लिए। कुल मिला के 16 सीट वैकेंट है हिंदी सब्जेक्ट में टीजीटी के अंदर रांची जिला में। वहीं इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में बात करूं तो आपका टोटल 9 सीट है वैकेंट, जिनमें से 5 जनरल रहेगा और 1 रहेगा आपका BC1 के लिए, 3 रहेगा ST के लिए। वहीं अगर उर्दू विषय के बारे में बात करूं तो टोटल 4 सीट वैकेंट है, जिनमें से 2 सीट आपका जनरल रहेगा और 2 सीट आपका ST कैंडिडेट के लिए। मैथमेटिक्स फिजिक्स में टोटल आपका 38 सीट वैकेंट है, उनमें से 19 यानी 19 सीट जो है वो जनरल सीट रहेगा, 1 सीट आपका BC2 और 2 सीट रहेगा BC1 के लिए। टोटल 14 सीट रहेगा आपका ST कैंडिडेट के लिए और 2 सीट रहेगा आपका SC के लिए। वहीं बायोलॉजी और केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो टोटल आपका 128 सीट वैकेंट है, 28 सीट वैकेंट है टोटल, जिनमें से 14 जनरल रहेगा, 2 आपका BC1 रहेगा, 11 सीट ST कैंडिडेट के लिए, 1 सीट आपका SC के लिए रहेगा। वहीं ज्योग्राफी के बारे में बात करूं तो ज्योग्राफी में टोटल आपका 6 सीट वैकेंट है, टोटल आपका 6 सीट वैकेंट है, जिनमें से 3 जनरल रहेगा, 1 रहेगा BC1, 2 रहेगा ST कैंडिडेट के लिए। हिस्ट्री और सिविक्स के बारे में बात करूं तो दोनों मिलाकर 25 सीटों में बहाली होना है, वैकेंट सीट है, 13 आपका जनरल रहेगा, 2 रहेगा BC1, 9 रहेगा ST कैंडिडेट के लिए, 1 रहेगा SC कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर संस्कृत विषय के बारे में बात करो तो टोटल आपका 26 सीट वैकेंट है, जिनमें से 13 आपका जनरल, 2 सीट आपका BC1, 10 सीट आपका ST कैंडिडेट, 1 सीट आपका SC कैंडिडेट। इकोनॉमिक्स विषय में टोटल 5 सीट जनरल में आपका 3 रहेगा, 2 रहेगा ST कैंडिडेट के लिए। कॉमर्स के बारे में बात करो तो 1 सीट रहेगा आपका और 1 सीट आपका सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए रहेगा। फिजिकल एजुकेशन आपका जो शारीरिक शिक्षा है, टोटल 9 सीट वैकेंट है, जिनमें से 5 है जनरल, 1 है आपका BC1 और 3 है आपका ST कैंडिडेट के लिए। तो कुल मिला के अगर रांची जिला के अंतर्गत बात करें तो टोटल आपका 167 है ना, 167 सीटों वैकेंट है। और अगर PGT के बारे में बात करूं तो टोटल सीट आपका 43 सीट वैकेंट है। मुझे लगता है अब तक का सबसे ज्यादा वैकेंट नंबर ऑफ सीट्स जो है रांची जिला के अंतर्गत है। वहीं PGT के बारे में बात करें तो संस्कृत में टोटल 2 सीट वैकेंट है, 1 सीट आपका जनरल के लिए, 1 सीट आपका ST कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका BC2 में आपका 1 भी सीट नहीं दिया गया है, वहीं आपका SC कैंडिडेट में भी नहीं दिया गया है, जैसे कि देख पा रहे खाली खाली है आपका सारा है ना। वहीं आपका इसमें आपका देख सकते हैं ST में दिया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका कि संस्कृत में आपका जो है टोटल 2 सीट वैकेंट है, जिनमें से 1 जनरल आपका और 1 है आपका ST कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर हिस्ट्री के बारे में बात करूं तो हिस्ट्री में देख सकते टोटल 5 सीट वैकेंट है, जिनमें से 3 आपका जनरल रहेगा, 2 रहेगा ST कैंडिडेट के लिए। ज्योग्राफी टोटल 2 सीट पे वैकेंट है और 1 रहेगा जनरल, 1 रहेगा ST कैंडिडेट के लिए। इकोनॉमिक्स में टोटल 2 सीट वैकेंट है, 1 रहेगा जनरल कैंडिडेट के लिए, 1 रहेगा आपका ST कैंडिडेट के लिए। मैथमेटिक्स में टोटल 3 सीट वैकेंट है, 2 सीट आपका रहेगा जनरल, 1 सीट रहेगा ST कैंडिडेट के लिए। फिजिक्स में टोटल 11 सीट वैकेंट है, जिनमें से 6 आपका जनरल, 1 रहेगा आपका BC1 के लिए और 4 सीट रहेगा आपका ST कैंडिडेट के लिए है ना। चलिए
अब बात करते हैं आपका, अगर बायोलॉजी के बारे में बात करूं तो बायोलॉजी में टोटल, बायोलॉजी में देख सकते हैं टोटल आपका एक सीट वैकेंट है जो कि एक रहेगा जनरल के लिए। केमिस्ट्री में टोटल 9 सीट वैकेंट है, 5 रहेगा आपका जनरल के लिए, एक रहेगा बीसी वन और 3 रहेगा आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर मैथिली के बारे में बात करें तो टोटल 5 सीट वैकेंट है, जिनमें से आपका 3 सीट रहेगा जनरल और 2 सीट रहेगा आपका एसटी कैंडिडेट के लिए। कॉमर्स में 1 सीट टोटल वैकेंट है जो कि आपका जनरल रहेगा। तो कुल मिला के 43 सीट आपका वैकेंट है आपका पीजीटी में, टोटल आपका 43 है ना सीट है और रिक्त पदों की संख्या है। और टीजीटी में टोटल बात करो तो 167 है ना। चलिए आगे बात करते हैं आवेदन करने की जो प्रक्रिया होगा, इनका डिटेल्स आप देख सकते हैं, ये रांची जिला की ऑफिशियल वेबसाइट भी है, www.dserachi.com है ना। अब आपको देखने की जरूरत है कि आपको जो इनमें क्वालिफिकेशन की आखिर क्या है वो चीज देखने की जरूरत है ना। वही नोटिफिकेशन यहीं पर है। तो यहां पर अगर बात करूं कि पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन किन का जरूरत है, तो इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए। मास्टर डिग्री यानी आप आर्ट्स से हैं तो एमए मास्टर ऑफ आर्ट्स, यदि आप साइंस से हैं तो आपका एमएससी कंप्लीट होना चाहिए यानी मास्टर ऑफ साइंस, यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो आपका एमकॉम कंप्लीट होना चाहिए यानी मास्टर डिग्री, जिनमें आपका परसेंटेज होना चाहिए मिनिमम 50% आपका ए बी सी वन बी सी टू और जनरल कैंडिडेट के लिए है। वहीं 45% जरूरत है आपका एस सी और एस टी कैंडिडेट के लिए। साथ ही साथ आपको बीएड की जरूरत है, मास्टर डिग्री विथ बीएड है ना। अब अगर टीजीटी के बारे में बात करूं, टीजीटी कहने का मतलब ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर, और पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो कि वो पीजीटी आप 11 12th को पढ़ाएंगे और अंडर मैट्रिक तक पढ़ाएंगे टीजीटी शिक्षक, टीजीटी टीचर। अब यहाँ पर देखिए कि टीजीटी के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसमें आपका मिनिमम बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर कहने का मतलब ग्रेजुएशन है ना, ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपका जो है मिनिमम 50% होना चाहिए आपका बी सी वन बी सी टू और जनरल कैंडिडेट के लिए। वहीं यदि आप एस सी एस सी एस टी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं तो आपका 45% काफी है मिनिमम। साथ में आपका बीएड की डिग्री की जरूरत है। अब यहाँ पर देखने की जरूरत है मिनिमम उम्र सीमा क्या होगा, तो मिनिमम आपका 21 साल पूर जाना चाहिए 31 दिसंबर 2022 तक, और मैक्सिमम एज आपका 31 दिसंबर 2022 तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं आरक्षण का जो नियम कानून है, जो जिला स्तरीय जो आरक्षण का रोस्टर है उनको पालन किया जाएगा। इनके सैलरी के बारे में बात किया जाए तो जो पीजीटी शिक्षक होंगे नंबर वन में, उनको 27,500 रुपया दिया जाएगा प्रति माह। दूसरा अगर टीजीटी शिक्षक के बारे में बात करूं तो 26,250 रुपया दिए जाएंगे आपका। इनका काम क्या होगा, तो नियमित आपको क्लास लेना होगा, बच्चों को क्लास वर्क होमवर्क देना होगा, इनके अलावा आपका टेस्ट वगैरह लेते रहना है, साथ ही साथ विद्यालय में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो गतिविधि होंगे उनमें आपको पार्टिसिपेट करना है, भाग लेना है, ऑर्गेनाइज करना है, साथ ही साथ जो हेडमास्टर के द्वारा जो आपको कार्य सौंपे जाएंगे उनको भी सही से करना है। अब यहाँ पर जो आप आवेदन करेंगे ये आपका नीचे एक प्रोफॉर्मा है, ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आप पोस्ट जो अप्लाई करेंगे वो टीजीटी के लिए करेंगे या पीजीटी, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पीजीटी लिख लेंगे, अदरवाइज आप टीजीटी कर लिख लेंगे है ना। यहाँ लाइन लिखना है, इस बॉक्स में लिखना है टीजीटी। आप कोई किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए संस्कृत, इस तरह से लिख देंगे। कोशिश करेंगे कैपिटल में लिखने का, ब्लैक पेन में ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ आपका प्रत्येक बॉक्स में अपना नाम यहाँ पर फिल कर देना है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम के बीच में एक बॉक्स खाली छोड़ देंगे। यदि आप मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट है और आप अपना हस्बैंड का नाम देना चाह रहे हैं तो हस्बैंड में टिक लगा देंगे, अदरवाइज फादर में टिक लगाएंगे। जो मेल कैंडिडेट है वो फादर में टिक लगाएंगे और यहाँ पर फादर का नाम लिख देंगे। अब बात आती है डेट ऑफ बर्थ का, तो डे मंथ आपका ईयर लिख देंगे, मेल फीमेल या अदर यानी ट्रांसजेंडर के लिए अदर यहाँ ऑप्शन किया गया है, तो आप जो भी है अपने अनुसार टिक लगा लेंगे। एज के बारे में बात करूं तो 31 दिसंबर 2022 तक आपका जन्म तिथि से लेकर 31 दिसंबर 2022 तक आपका उम्र कितना हो रहा है, कितना साल कितना मंथ कितना दिन हो रहा है, मान लीजिए 25 साल 4 महीना 11 दिन हो रहा है, तो इस तरह से आप कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। आपका कैंडिडेट का आपका नेम हो जाएगा, फादर या हस्बैंड नेम, एड्रेस हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, सिटी टाउन,
पिन कोड मोबाइल नंबर हो जाएगा, ईमेल आईडी लिख लेंगे, रिसेंट एक फोटोग्राफ चिपका देंगे यहाँ और अपना सिग्नेचर कर देंगे। इसके बाद आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मैट्रिक में कितना लाए हैं आप, है ना, राइट द नेम ऑफ एग्जामिनेशन पास्ट, कौन सा साल में पास किए हैं, मैक्सिम टोटल मार्क्स कितना था, उनमें से पाए कितना, परसेंटेज कितना, क्या क्या सब्जेक्ट था, कोर्स का ड्यूरेशन क्या था, और बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या था आपका। इसी तरह इंटरमीडिएट ग्रेजुएशन का डाल देंगे, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएशन तक डाल रहे हैं, पीजीटी है तो आप यहाँ डाल देंगे, इनके अलावा कोई और अन्य क्वालिफिकेशन होती है यहाँ लिख देंगे। इसके अलावा आपका बीएड में थ्योरी में कितना कब पास किया, यानी आपका थ्योरी, ये थ्योरी सेक्शन या प्रैक्टिकल सेक्शन, कब पास किए, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, पाए कितना, परसेंटेज कितना, सब्जेक्ट क्या क्या था, टोटल जानते हैं कि बीएड 2 साल का होता है लिख देंगे, बोर्ड या यूनिवर्सिटी जो भी है आपका। इनके अलावा कोई यदि आपका एक्सपीरियंस हो, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो या कोई भी स्कूल हो, या इनके अलावा कोई और अन्य आपका एक्सपीरियंस हो, तो यहाँ पर मेंशन कर देंगे एक एक करके, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कब से कब तक आपने काम किया है, है ना, टोटल साल मंथ में यहाँ पर दिखाएंगे, क्लास टॉट, आप किस क्लास को पढ़ाते थे, कहीं पर अगर प्राइवेट स्कूल में थे तो आप सब्जेक्ट कौन सा पढ़ाते थे, है ना, वहाँ पर किस कितना महीना आपको मिलता था, सैलरी कितना मिलता था। इनके अलावा आता है, क्या आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम के बच्चों को पढ़ाने के लिए एबल है, आप सक्षम है, तो यस लिख देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। इनके अलावा क्या कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपको कुछ जानकारी है, अगर आपको पता है तो यस कर देंगे, अदरवाइज नो करेंगे। सोशल कैटेगरी, आप एसटी कैंडिडेट है, एससी है, एमबीसी है, बीसी है या जनरल है, तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख देंगे। इसके अलावा है ना, क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट नंबर, जो आप डीडी बनाएंगे उनका डीडी का नंबर लिखेंगे, है ना, कब डीडी को इशू किया गया लिख देंगे, इशू किसके द्वारा किया गया था, टोटल कितने का था, यहाँ पर लिख देंगे। यानी आपका एस सी एस टी के लिए 50 रुपया और बाकी जो अदर कैटेगरी है वो सारे के लिए 100 रुपया। अब यहाँ पर देखते हैं आगे, अब जो डीडी बनाएंगे किन के नाम पर डीडी बनाएंगे, यहाँ पर देखने की जरूरत है। तो परीक्षा शुल्क के रूप में आपको एक डीडी लिया जा रहा है 100 रुपये का, जो आपका BC1, BC2 और जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 100 रुपया, और जो SC और ST कैंडिडेट है उनके लिए 50 रुपया। डीडी किन के नाम में बनाना है, तो क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट रांची के नाम, पेबल एट रांची करना है, यही आपको लिखना है जब आप डीडी बनाने बैंक जाएंगे। तो आगे है आपका, ये जो बहाली है ये आपका कंप्लीटली परमानेंट नहीं है, ये संविदा अल्पकालीन, यानी आपका 11 महीने के लिए बहाली होना है, तत्कालीन बहाली है। इनके अलावा अगर सरकार को लगता है कि नहीं आगे और जो है अगले सेशन में इनको बढ़ा दिया जाएगा, आपके 11 महीना का जो टेनर है, यानी आपका जो कंप्लीट 11 महीना पूर्ण के बाद अगर सरकार को लगता है कि नहीं इनके जो संविदा है, इनके जो जॉब पीरियड है, इनको बढ़ा दिया जाए, तो अगर आपके परफॉर्मेंस अगर खराब रहता है तो फिर वहाँ टर्मिनेट किया जा सकता है आपको। तो अगर आपका संतोषप्रद रहता है, आपका जो लेसन प्लान बनेंगे, हेडमास्टर आपके प्रति अगर अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपके नौकरी फिर आगे बढ़ाया जा सकता है, 11 महीने से आगे आपका किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है तिथि को। तो ये इनके अलावा देख सकते हैं कि आपको आखिर जो भेजना है अपने क्वालिफिकेशन और एप्लीकेशन फॉर्म भर के, वो लास्ट आपका 15 मार्च तक भेज देना है, है ना, 15 मार्च तक, एनी हाउ अंतिम तिथि यहाँ पर आपको मिल जाएगा, सॉरी 13 मार्च तक भेजना है ना। योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन करने की प्रक्रिया, हम देख सकते हैं आपको 13 मार्च शाम 5 बजे तक भेज देना है, 13 मार्च शाम 5 बजे तक आपको भेज देना है आपका इस निम्न पते पर। पता क्या होगा, झारखंड शिक्षा परियोजना, यानी जब आप लिफाफे में जब अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना जब डॉक्यूमेंट्स अटैच करके जब आप लिफाफे में डालेंगे, तो एक साइड आप फॉर्म रहेगा यानी आपका एड्रेस रहेगा, और दूसरे तरफ आपका टू यानी जहां पर भेजना है, तो जहां पर भेजना है उनका भी पता आपको पास होना चाहिए। तो कंप्लीट पता है आपका ये झारखंड शिक्षा परियोजना मध्य विद्यालय BMP डोरंडा, इसके बाद फिर नीचे लिख देंगे पोस्ट डोरंडा जिला रांची, पिन कोड 834002। एक आपका कंप्लीट एड्रेस है आपका। इस एड्रेस पर क्या करना है आपको, देख सकते हैं इस एड्रेस निबंधित डाक द्वारा 13 मार्च शाम 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। यहाँ पर आपका स्पष्ट रूप से देख समझने की जरूरत है, निबंधित डाक कहा गया है, ना ही जनरल डाक कहा है और ना ही स्पीड पोस्ट कहा है,
तो आप गलती से स्पीड पोस्ट भी नहीं करेंगे, निबंधित डाक के माध्यम से ही भेजेंगे। निबंधित कहने का मतलब रजिस्टर्ड करना है, रजिस्ट्री डाक पर भेजना है आपको, है ना, रजिस्टर्ड मेल, है ना, रजिस्टर मेल करना है आपको, रजिस्टर मेल करना है आपको, समझ गए। रजिस्टर में क्या हो कि आपका ये जो डेट, जो डिटेल्स दिया गया है यहाँ पर कि जहां भेजना है उससे संबंधित पदाधिकारी ही स्वीकार करेंगे, है ना। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रहे कि रजिस्टर मेल करना है, रजिस्टर आपको पोस्ट करना है। बाकी आपका कोई भी अगर समझने में परेशानी हो रहा है, कोई आपका कन्फ्यूजन हो इस पीडीएफ में समझने के लिए, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप मैसेज करके जरूर पूछ सकते हैं। इनके अलावा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इनका कंप्लीट नोटिफिकेशन का पीडीएफ मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।